आप सबको मेरा नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रोही भाभा, और वो भी स्टीम से। तो इसके लिए हमको चाहिए 200 ग्राम मछली, आप अपने हिसाब से ज़्यादा ले सकते हैं। दही चाहिए, सरसों का तेल चाहिए, और पेस्ट बनाने के लिए हमको चाहिए वाइट मस्टर्ड, जीरा, ग्रीन चिल्ली, गार्लिक क्लोव्स, कोरिएंडर लीफ। क्वांटिटी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। पहले हम मछली को अच्छे से धो लेंगे, उसमें 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। दो चम्मच दही डालेंगे। दो से तीन चम्मच पेस्ट डालेंगे। हल्दी पाउडर थोड़ा सा डालेंगे। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। सबको अच्छे से मिला देने के बाद 10 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे। जैसे कि हमने दिखाया है ऐसे ही एक टिफिन में रख दीजिए मैरिनेशन के लिए। अभी हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें पानी डाल के गर्म करेंगे। पानी गर्म हो जाने के बाद टिफिन को उसमें रखिए और कढ़ाई की ढक्कन लगा दीजिए। उसको अभी 20 से 25 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में रहने दीजिए। अभी हमारा टाइम हो गया है, निकाल के देखते हैं। और आपका रोही भापा बन के तैयार है। आप भी इसी रेसिपी को ट्राई कीजिए और कैसे लगा कमेंट में बताइए। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सबको मेरा